Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the Torsioli theorem or velocity of a flux. साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहिश्राव वेग क्या होता है जिसे Torsioli प्रमेय भी बोलते हैं इसके बारे में. तो देखिएगा Torsioli प्रमेय यानी इसमें हम बहिश्राव वेग डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है बहिश्राव वेग. ठीक है ना. तो देखिएगा अब हम बहिश्राव वेग डिस्कस करने के लिए ये कोई टंकी है ये जिसमें ऊपर तक इस प्रकार से द्रव भरा हुआ है और टंकी के किसी बिंदु पर एक छिद्र है जिससे वेग क्षैतिज वेग से बाहर निकल रहा है इस तरीके. तो यही बहिश्राव वेग है. ध्यान रखिएगा कि किसी भी टंकी के किसी छिद्र से जिस क्षैतिज वेग से द्रव बाहर निकलता है उसे बहिश्राव वेग या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं. ध्यान रखिएगा किसी भी टंकी के किसी छिद्र से कोई द्रव जिस क्षैतिज वेग से बाहर निकलता है उसे बहिश्राव वेग कहते हैं. तो ये इस प्रकार से जब ये निकलेगा तो इस तरीके से पृथ्वी पर टकराएगा, टकराने में कुछ समय भी लेगा और टंकी से कुछ दूरी पर भी जाकर गिरेगा. तो हम V भी ज्ञात करेंगे, T भी ज्ञात करेंगे, X भी ज्ञात करेंगे. तो माना टंकी की ऊंचाई कैपिटल H है, इसके स्वतंत्र सिरे से स्मॉल h गहराई पर कोई छिद्र है जिससे द्रव क्षैतिज वेग Vx बराबर V से बाहर निकल रहा है. तो देखिएगा जब द्रव का तल ये होगा, मान लेते हैं इसको A, तब भी यहाँ पर P1 का मान P रहेगा और जब ये घटते घटते इस बिंदु तक आ जाएगा, मान लेते हैं B बिंदु, तो इस बिंदु पर भी दाब इतना ही रहेगा. क्यों? क्योंकि घटते घटते द्रव यहाँ खत्म हो जाएगा तो वायुमंडल की कॉन्टेक्ट में ही रहेगा द्रव की सतह, तो ये हो जाएगी. इसके बाद अगर नीचे आ जाएगा द्रव की सतह से तो बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा. तो अब हम देखते हैं, माना इसका घनत्व तो जो है वो रो है, तो बर्नौली प्रमेय से यहाँ P1 प्लस 1 बटे 2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस 1 बटे 2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 से देखिएगा P1 बराबर P2 बराबर P है. ठीक है ना, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं V1 का मान जो है वो शून्य है और V2 का मान Vx यानी V है. ठीक है ना, हम 1 को A बिंदु लिख रहे हैं और 2 को B बिंदु लिख रहे हैं. इसी तरीके से H1 का मान जो है पूरी तल से ऊंचाई A तक के लिए H है और H2 का मान है H माइनस स्मॉल h. इतनी जो गहराई बचेगी ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो अब ये हम बर्नौली प्रमेय में इसमें रख देंगे, उसको मान लीजिएगा समीकरण एक. तो समीकरण एक से P प्लस 1 बटे 2 रो इंटू 0 का स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H P प्लस 1 बटे 2 रो भी स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो P से P कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. रो जी एच इक्वल टू 1 बाई 2 रो भी स्क्वायर रो जी कैपिटल एच और रो जी स्मॉल एच, इससे ये कैंसिल हो गया. 1 बटे 2 रो वी स्क्वायर माइनस रो जी एच बराबर 0 है, 1 बाई 2 रो वी स्क्वायर बराबर रो जी एच, रो से रो कैंसिल, तो वी स्क्वायर बराबर 2 जी एच. तो वी का मान आ जाएगा अंडर रूट 2 जी एच. ध्यान रखिएगा यही है बहिश्राव वे. ठीक है ना, हमने ये सारे मान P1 V1 H1 P2 V2 H2 समीकरण एक में रख दिया, ये आ जाएगा P से P कैंसिल, ये जीरो भी हो जाएगा, जीरो से गुणा है, रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h, ये कैंसिल हो जाएगा, इतना माइनस इतना बराबर जीरो यानी ये. तो हमने इसको उधर कर दिया, ये आया या वी स्क्वायर बराबर टू जी एच, ये भी का मान अंडर रूट टू जी एच आ जाएगा. तो ये हुआ बहिश्राव वेग. अब हम ज्ञात करते हैं कि द्रव पृथ्वी सतह तक गिरने में कितना समय लेगा. समय ये निकालेंगे,
तो देखिएगा समय जब ज्ञात करते हैं तो ऊंचाई पृथ्वी तल से लेते हैं यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और आप देख रहे हैं द्रव कैसे निकल रहा है क्षैतिज वेग से, तो जब क्षैतिज वेग से निकल रहा है तो यहाँ ऊर्ध्व वेग क्या है जीरो, जहाँ यू वाई क्या है शून्य, तो एच माइनस एच इक्वल टू जीरो प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, तो टू एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी अंडर रूट इक्वल टू टी आ जाएगा। अब देखते हैं ये दूरी कितनी होगी, क्षैतिज दूरी, तो क्षैतिज दूरी x बराबर क्षैतिज वेग इनटू टाइम, तो x इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच इनटू अंडर रूट टू एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, दोनों को एक साथ लिख दीजिए तो ये हो जाएगा टू जी एच इंटू टू एच माइनस एच अपॉन जी, तो ये आ जाएगा टू अंडर रूट एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा एक्स का मान। अब देखते हैं एक्स इक्वल टू आया टू एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है ना। अब यहाँ एक्स मैक्स कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा फॉर एक्स मैक्स यानी अधिकतम कितनी दूरी पर गिरेगा जाकर के, तो एच की वैल्यू एच बाई टू यानी टंकी के मध्य बिंदु पर ही छिद्र होना चाहिए, अगर ठीक टंकी के मध्य बिंदु पर छिद्र है तो द्रव जब निकलेगा तो क्षैतिज दूरी जो तय करेगा सबसे ज्यादा तय करेगा, मतलब इस प्रकार से अगर देखें ये टंकी है और ये इसका पूरी ऊंचाई h है और ये स्मॉल h इक्वल टू h बाई टू यहाँ पर छिद्र है, तो द्रव ऐसे गिरेगा, ये सबसे ज़्यादा दूरी पर गिरेगा, अगर ऊपर है तो ये इस तरीके से, नीचे है तो ये इस तरीके से, लेकिन मध्य बिंदु वाला जो है सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा जिसे हम x मैक्स बोलते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है ये भी हम प्रूव करेंगे, तो देखिएगा ये अगर रखते हैं तो x max का मान आ जाएगा 2 अंडर रूट h by 2 h minus h by 2, तो ये 2 अंडर रूट h by 2 into ये सॉल्व होकर h by 2 आ गया, तो 2 into h by 2 तो ये आ जाएगा h, यानी ध्यान रखिएगा कि अधिकतम कितनी दूरी पर गिरेगा जाकर के, उतनी ही दूरी पर गिरेगा जितने के टंकी की ऊंचाई है, तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ भी है कि जितनी टंकी की ऊंचाई है उतनी ही क्षैतिज दूरी पर अधिकतम दूरी तक द्रव गिर सकता है, उससे ज्यादा पर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये है, अब इसके लिए प्रूफ दिखाते हैं कि ऐसा क्यों हमने h by 2 ही क्यों लिया है, तो इसके लिए देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये मैक्सिमा पॉइंट होता है उच्चिष्ट और ये मिनिमा पॉइंट होता है निम्निष्ट, यहाँ पर अगर स्लोप देखें तो dy by dx का मान जीरो होता है, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदुओं पर मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट पर स्लोप यानी प्रवणता यानी झुकाव शून्य होता है। तो देखिएगा यहाँ x और h की बात थी, ठीक है ना, कि ये h थी और ये x थी, तो इनमें क्या झुकाव कितना एंगल पर होना चाहिए या h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं h के रिस्पेक्ट में, तो 2 ये लिखा है डी बाई डी एच, इसको अलग अलग कर दीजिए h और h माइनस h, गुणा में ये लिखा है तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन सेकेंड 2h माइनस h इंटू माइनस 1 प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट 2 अंडर रूट h। ध्यान रखिएगा ये मैंने लिखा है d बाई डी एच, ये जो है अंडर रूट h का मान है 1 अपॉन 2 रूट h, और d बाई डी एच अंडर रूट कैपिटल h माइनस h का मान है 1 अपॉन 2 अंडर रूट h माइनस h इंटू h माइनस h का पुनः अवकलन माइनस 1, ठीक है, चेक करके देख लीजिएगा अवकलन से यही आएगा डी एच अपॉन डी एच। अब हम इसको जीरो रख दें तो 2 ये हो जाएगा 2 अंडर रूट h माइनस h इंटू अंडर रूट h, तो ये आ जाएगा माइनस h प्लस ये आ जाएगा h माइनस स्मॉल h। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस h प्लस कैपिटल h माइनस h इक्वल टू
जीरो, एच माइनस टू एच बराबर जीरो, तो एच बराबर टू एच या स्मॉल एच का मान एच बाई टू आ गया। तो देखिएगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एच की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एच बाई टू। तो ध्यान रखिएगा ये वही बिंदु है टंकी के जहाँ पर छिद्र किया गया था और जिस बिंदु से सबसे ज्यादा क्षैतिज दूरी पर द्रव गिरता था, तो ये उसका प्रूफ है। ओके okay?